हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिम्फेटिक सिस्टम पर। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ, यानी कि लिम्फ क्या है, एक फ्लूड है। लिम्फ क्या है, एक फ्लूड है, यानी लिक्विड है, फ्लूड है, वाटरी फ्लूड है, मीन्स वाटर की तरह एक फ्लूड है। और क्या क्या है इसमें, वेजल्स का, लिम्फेटिक वेजल दैट ट्रांसपोर्ट द लिम्फ। और इसमें क्या है, वेजल्स हैं। वेजल्स क्या है, स्मॉल ब्रांचेस हैं जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और ये क्या करती हैं, बॉडी के अंदर जो है ब्लड को जो है सर्कुलेट करती हैं थ्रू आउट द बॉडी। ये ब्लड को पहुंचाती हैं, और ब्लड के थ्रू जो है हमारे बॉडी में क्या पहुंचता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, प्लाज्मा, प्रोटीन, सब हमारे ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में पहुंचता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इसका, अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन्स कंटेनिंग लिम्फेटिक टिश्यू सच एज लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, थैलमस एंड लिम्फॉइड टिश्यू। और इसके अंदर क्या क्या है, ऑर्गन्स एसोसिएटेड, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम में ऑर्गन्स भी हैं, जैसे कि लिम्फ नोड हुआ एंड स्प्लीन, स्प्लीन भी प्रेजेंट है इसमें, थैलेमस भी प्रेजेंट है एंड लिम्फॉइड टिश्यू। और फोर्थ है इसमें रेड बोन मैरो। ठीक है, रेड बोन मैरो क्या होता है, द रेड बोन मैरो इज अ की एलिमेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम दैट जनरेट लिम्फोसाइट, जो क्या करता है, लिम्फोसाइट को जनरेट करता है। तो बस आपको अभी फिलहाल इतना याद रखना है कि रेड बोन मैरो का क्या काम है, ये जनरेट करता है लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट क्या है, हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने इसमें पढ़ा है कि लिम्फेटिक क्या होता है, लिम्फेटिक के अंदर आता है लिम्फ। लिम्फ क्या है, फ्लूड है। देन आगे क्या होता है, इसमें होते हैं वेजल्स, यानी कि लिम्फेटिक वेजल्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं लिम्फ को। देन उसके बाद आ जाता है, इसके अंदर ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स हैं। ऑर्गन्स क्या क्या हैं, इसके अंदर लिम्फ नोड है, स्प्लीन है, थैलमस है एंड लिम्फॉइड टिश्यूज है। देन रेड बोन मैरो जो क्या करता है, जनरेट करता है लिम्फोसाइट को। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि ये किस फ्लूड की बात कर रहे हैं, कौन सी वेजल्स की बात कर रहे हैं और कौन से ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, तो ये फ्लूड कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ इसको। तो चलिए अब मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है कैसे वर्क करता है। तो ये देखिए, यहाँ पर है हमारे लंग्स। ठीक है, लंग्स जो है कार्बन ऑक्सीजन जो है कैरी करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जब यहाँ तक पहुँच जाती है लंग्स में, देन ये आगे पास ऑन करते हैं। ठीक, कैसे करते हैं, ब्लड के थ्रू। ये हमारे यहाँ पर जो है वेंस जा रही हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है। ठीक है, यहाँ से जो है ब्लड जा रहा है और ब्लड के साथ ही ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। ठीक है, ब्लड जो है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, ठीक है, प्लाज्मा, सब जो है ब्लड कैरी करके रखता है। ठीक है, ब्लड के थ्रू जो है सारी ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में सभी ऑर्गन्स को जो है मिल रही है, क्योंकि ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है और ब्लड के थ्रू ही ये सब चीज़ें हमें मिल रही हैं। देन जब यहाँ से ऑक्सीजन कैरी होकर ब्लड के साथ हमारे पास पहुँचती है, हार्ट के पास पहुँचती है। ठीक है, हार्ट जो है उस ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है, मींस यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड मींस, अच्छा आपने हमेशा सुना होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या होता है ये ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन लिखा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, कैरी मोर ऑक्सीजन टू डिलीवर टू बॉडी टिश्यूज। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड मीन्स ऑक्सीजन कैरी करना। तो ब्लड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे बॉडी टिश्यूज को तक पहुंचा रहा है। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन, कहने का मतलब है कि ये हमारे बॉडी को ऑक्सीजन दे रहा है, हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन दे रहा है। देन डीऑक्सीजनेट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करना। ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको भी तो बाहर निकालना है, तो वो क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उस कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके हमारी बॉडी से बाहर करता है। तो
लंग्स क्या कर रहा है यहाँ पे, ब्लड को ऑक्सीजनेट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे ब्लड को वो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। देन उसके बाद जो है ब्लड हमारे हार्ट तक पहुँचता है। तो जब ब्लड हार्ट तक पहुँचता है तो ब्लड क्या करता है, उस ब्लड में ब्लड को फ्लो करता है, यानी कि पूरे प्रेशर से जो है आगे फ्लो कर देते हैं उसे ब्लड को, ठीक है। और फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचता है, वेन्स के थ्रू, आर्टरी के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर वेन्स के थ्रू आया, उसके बाद यहाँ पर आर्टरीज के थ्रू जो है ब्लड हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया, काफ़ी सारी आर्टरीज मिलकर क्या बन गई, कैपलरीज बन गई है। यहाँ पर काफ़ी सारी जो है कैपलरीज बन गई हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है सारा ब्लड इकट्ठा हो गया, यानी कि पहुंच चुका है अपने अपने ऑर्गन्स तक, सब जगह जहां पर ब्लड की सप्लाई की जरूरत है वहां पर जो है ब्लड पहुंच चुका है। तो ऑर्गन ने क्या किया, वो सारा ब्लड एक्सेप्ट कर लिया, जो भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स थे, ठीक है, ऑक्सीजन थी, सब एक्सेप्ट कर ली, यानी कि उसको ले लिया। देन उसको क्या किया, जो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी वो उसको वापस रिटर्न कर दिया, ठीक है। उसके अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल था वो उसको वापस, उसने वापस भेज दिया हार्ट को, ठीक है। तो वो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया, ठीक है। अब जो यहाँ उसके साथ ऑक्सीजन आ रही है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो होगी ना साथ में, तो वो भी तो उसको बाहर निकालना है। तो यहाँ से उसने कार्बन डाइऑक्साइड जो है यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस उसने भेजा हार्ट को, ठीक है। पर यहाँ पर जो है 100% जो ब्लड यहाँ पर जो पहुँचा है, ठीक है, तो इन कैपिलरीज ने क्या काम किया है, जो ब्लड यहाँ पर पहुँचा है उसमें से 90% को उसने आगे पास ऑन कर दिया, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल था, जो जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं थी या डीऑक्सीजनेट ब्लड था उसको वापस भेज दिया, लेकिन जो 10% यहाँ पर रह गया है, ठीक है, जो टिश्यू के अंदर, ऑर्गन के अंदर जो 10% रह गया है वो होता है हमारा फ्लूड, यानी कि लिम्फ। यहाँ पर जो 10% बचा है वो है हमारा फ्लूड, जो कि वापस नहीं गया है, यहीं पर ही रह गया है। तो उस लिम्फ को, उस फ्लूड को कौन कैरी करेगा, यहाँ पर लिम्फ वेजल्स, ये देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है लिम्फ वेजल्स, ये उस 10% बचे हुए फ्लूड को कैरी करके फिर से जो है ऑक्सीजनेट के लिए ये वापस उसको भेजेगा। यानी कि कैपिलरी ने तो अपना काम किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस कर दिया, लेकिन जो 10% बचा है वो उसका काम कौन करेगा, उसका काम करेगा लिम्फ वेजल्स। देन फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से लंग्स के पास जाता है, फिर वो ऑक्सीजनेट होकर फिर से प्रोसेस वही चलता है, फिर से हार्ट के पास आ गया, हार्ट आगे पंप करता है, देन वो ऑर्गन्स के पास पहुंचता है, ऑर्गन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले लेता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस कर देता है। तो ऐसे यही प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, लेकिन जो रिमेनिंग रह जाता है उस रिमेनिंग फ्लूड को कौन करता है, लिम्फ, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम यहाँ पर जो है काम करता है। ये देखिए एक और डायग्राम देखिए, ये है हमारी आर्टरीज, इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये है हमारे टिश्यू और ये हमारे सेल प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके बीच जो स्पेस बचा हुआ है, ये देखिए ये येलो कलर में जो ये यहाँ पर जो है पूरा येलो येलो, ये क्या है, फ्लूड है, यानी कि ब्लड यहाँ से जो है ये फ्लूड जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है। इस आर्टरीज के थ्रू जो बचा हुआ फ्लूड है, जो फ्लूड जो बाहर निकल जाता है, टिश्यू की तरफ बाहर चला जाता है, वो होता है लिम्फ। तो इनको ये लिम्फेटिक कैपलरीज जो है कैरी कर लेती हैं, कैरी करके उसे वापस से इसके अंदर भेज देती हैं और फिर ये आगे प्रोसेस करता है। तो अब आप सोचेंगे कि जो ये सिस्टम होता है इसमें से फ्लूड जो है बाहर कैसे आ जाता है, ठीक है। अब आप ये डायग्राम देखिए, ये बना हुआ है लिम्फ वेजल, ठीक है। तो लिम्फ हमारा इस सब में प्रेजेंट होता है, ये सारा जो है लाइट ग्रीन कलर का आप देख रहे होंगे, ये क्या है, लिम्फ प्रेजेंट है। इसके अंदर ये है वॉल्व, तो यहाँ पर होता है इनका स्पेस। जब इसमें फ्लो होता है पूरा प्रेशर से जो लिम्फ इसके अंदर फ्लो कर रहा है, तो ये यहाँ से जो है ये ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद ये लिम्फ जो है यहाँ से बाहर आ जाता है,
ये देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बनाया है, तो यहाँ से इस तरह से ये जो है ओपन होता है और यहाँ से जो है लिम्फ जो इस तरह से जो है बाहर निकल जाता है यहाँ से ऐसे। और जब लिम्फ वेसल जो है कैपिलरीज जो है इसको जब कैरी करती हैं यानी कि इसको वापस जो है भेजती हैं, तो क्या होता है कि उसके अंदर इतना फ्लो होता है जब ये हार्ट से होता हुआ यहाँ पर आता है कैपिलरीज तक आता है, तो इसके अंदर इतना प्रेशर होता है कि ये फिर से ओपन हो जाते हैं और फ्लूड इनके अंदर चला जाता है, और जैसे ये आगे फ्लो करता है और ये वॉल्व जो है वो बंद हो जाते हैं ताकि ये दोबारा फिर से बाहर ना निकले। ठीक है, यानी कि जब इसको जब प्रेशर होता है तो ये बाहर भी आ जाते हैं, लेकिन जब इसको कैरी करके वापस लेके जाना यानी कि जो 10% बचा हुआ है वो काम कौन करेगा, वो भी तो लिम्फेटिक कैपिलरीज ही करेंगी, तो वो कैपिलरीज क्या करेंगी, यहाँ से ये ओपन हो जाएगा जब इस पर फ्लो आएगा, 10% फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, 10% फ्लूड जो बचा हुआ है वो फ्लो करेगा इसकी तरफ इस तरह से, तो ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से फ्लूड ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये वॉल्व जो है ये खुल जाएंगे और फ्लूड अंदर की तरफ ऐसे जाना शुरू करेगा और ये वॉल्व बंद हो जाते हैं ताकि ये फिर से वापस ना निकले, तो इसी तरह से ये आगे जाता जाता है और ये वॉल्व ओपन होते हैं, फिर फ्लूड आगे जाता है और ये वॉल्व बंद हो जाते हैं। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, उसके बाद आता है हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता है, लिम्फेटिक सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूड एंड हेल्प इन डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या करता है, सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूड, ये क्या करता है, सर्कुलेट करता है यानी कि बॉडी के अंदर जो फ्लूड प्रेजेंट है जो ब्लड कैरी करके लेकर जा रहा है उसको बॉडी के अंदर पहुंचाता है। इससे क्या होगा, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पर अटैक करते हैं या हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको किल कर देता है ये फ्लूड। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा फिल्टर थ्रू ब्लड कैपिलरीज टू फॉर्म इंटरस्टिशियल फ्लूड। तो मोस्ट कंपोनेंट क्या है, ब्लड प्लाज्मा फिल्टर थ्रू ब्लड कैपिलरी, जो ब्लड प्लाज्मा के जो कंपोनेंट्स है यानी कि ब्लड प्लाज्मा जो है फिल्टर हो रहा है कहाँ पर, ब्लड कैपिलरीज में, और वो फिल्टर होकर क्या बन रहा है, इंटरस्टिशियल फ्लूड यानी कि जो टिश्यूज में प्रेजेंट है वो क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूड बन जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर फिल्टर हो रहा है, ये ब्लड कैपिलरीज में फिल्टर हो रहा है यानी कि ब्लड प्लाज्मा फिल्टर हो रहा है ब्लड कैपिलरीज में, और वो फिल्टर होकर के क्या बन रहा है, इंटरस्टिशियल फ्लूड बन रहा है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारे टिश्यूज में प्रेजेंट होता है। थर्ड पॉइंट इसका, व्हेन इंटरस्टिशियल फ्लूड पासिस इनटू लिम्फेटिक वेजल इट इज कॉल्ड लिम्फ। तो जब ये पास होता है लिम्फेटिक वेजल्स में पास होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। लिम्फेटिक टिश्यू इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू दैट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट। तो ये क्या है, स्पेशलाइज्ड फॉर्म है यानी किससे बना है, ये रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद आ जाता है फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम का क्या फंक्शन क्या है, वर्क क्या है इसका, क्या काम क्या कर रहा है ये। लिम्फेटिक सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग फंक्शन, तो नंबर वन है इसका ड्रेनिंग एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूड, जो हमारे ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंटरस्टिशियल फ्लूड प्रेजेंट हो गया है हमारे टिश्यू में हमारे ऑर्गन में, तो ये क्या करता है, उसको बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, लिम्फेटिक वेजल्स ड्रेन एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूड फ्रॉम टिश्यू स्पेसिस एंड रिटर्न टू द ब्लड। ठीक है, ये क्या करता है, उस फ्लूड को हमारे टिश्यू के स्पेस में जो ये प्रेजेंट है इसको वापस ब्लड में भेज देता है यानी कि उसको ड्रेन आउट करता है, बाहर निकाल देता है। देन ट्रांसपोर्टिंग डाइट्री लिपिड्स, लिपिड्स क्या होते हैं, फैट्स। लिम्फेटिक वेजल ट्रांसपोर्ट लिपिड्स एंड लिपिड सोलेबल विटामिन एब्जॉर्ब बाय द गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक टू द ब्लड। मीन्स तो ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है लिपिड्स यानी कि जो विटामिन्स होते हैं, सोलेबल विटामिन्स, नॉन सोलेबल यानी कि जो घुलनशील है, जो नॉन घुलनशील विटामिन्स हैं उसको जो है ट्रांसपोर्ट कर रहा है यानी कि सॉरी एब्जॉर्ब कर रहा है ये, यानी कि वो बॉडी के अंदर ऑब्जॉर्व कर रहा है, बॉडी तक पहुंचा रहा है, और उसके जो गुण होते हैं विटामिन्स को वो भी बॉडी को दे रहा है किसके थ्रू, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू। थर्ड पॉइंट है इसमें ऑब्जॉर्प्शन इन द ब्लड स्मॉल इंटेस्टाइन, फैट एंड फैट सोलेबल मटेरियल आर अब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें भी वही है कि फैट और फैट सोलेबल विटामिन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में।
फोर्थ आ जाता है कैरिंग आउट इम्यून रिस्पॉन्स और प्रोवाइड इम्यूनिटी। तो इसमें क्या कर रहा है वो, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स यानी कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है, ठीक है। यानी कि हमारी एक्चुअली हम टॉपिक में पढ़ते हैं इसको, लिम्फेटिक टिश्यू इनिशिएट हाई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स अगेंस्ट माइक्रोब। तो ये क्या कर रहा है कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, माइक्रोब के यानी कि जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है यानी कि उनको किल करता है, ठीक है। एबनॉर्मल सेल यानी कि टी सेल बी सेल आर एक्ट एज मैक्रोफेजिस। जो हमारे अंदर सेल प्रेजेंट है टी एंड बी सेल, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ते हैं उनको एक्टिव कर देता है, और मैक्रोफेजेस एंड रिकॉग्नाइज द फॉरेन सेल माइक्रोब्स टॉक्सिन्स एंड कैंसर सेल। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो एक तरह से एक्टिव हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, यानी कि उनको किल कर देता है, और हमारे बॉडी में जो टी एंड बी सेल प्रेजेंट है वो एक्ट करते हैं माइक्रोफेज की तरह, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने में हमारी हेल्प करता है, और फॉरन सेल यानी कि जो बाहर से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं जैसे कैंसर सेल, वो उनको किल करता है, उनको पहचानता है और उनको किल कर देता है। अब पढ़ते हैं हम लिम्फ क्या होता है। लिम्फ इज अ क्लियर वाटरी फ्लूड विच इज सिमिलर इन कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा विद एक्सेप्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। तो लिम्फ क्या है, एक कैसा होता है लिम्फ दिखने में, एक वाटरी फ्लूड है यानी कि पानी की तरह है, ये कलरलेस है, इसके अंदर कोई कलर नहीं होता है। आपने देखा होगा कि ब्लड में तो रेड कलर होता है, और इसके अंदर क्या है, इसमें के अंदर कोई भी कलर नहीं है, ठीक है। तो ये भी किससे बना हुआ है, प्लाज्मा एंड एक्सेप्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन से बना हुआ है। सेकंड पॉइंट है इसमें, इट इज़ आइडेंटिकली इन कंपोजिशन टू इंटरस्टिशियल फ्लूड। तो इसे क्या बोला जाता है, इसको इंटरस्टिशियल फ्लूड भी बोला जाता है। लिम्फ कंटेन लिम्फोसाइट विच सर्कुलेट इन द लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फ क्या कैरी करता है, लिम्फोसाइट्स विच सर्कुलेट इन लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में सर्कुलेट होता है यानी कि पूरा फैल जाता है ये, ठीक है। लिम्फ क्या कैरी कर रहा है, लिम्फोसाइट्स कैरी कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फंक्शन ऑफ लिम्फ, लिम्फ के क्या क्या फंक्शन है। लिम्फ ट्रांसपोर्ट द प्लाज्मा प्रोटीन दैट सीप आउट ऑफ द कैपलरीज बेड्स बैक टू द ब्लड स्ट्रीम। तो लिम्फ ट्रांसपोर्ट कर रहा है, क्या ट्रांसफर कर रहा है, ये प्लाज्मा प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कर रहा है दैट सीप आउट ऑफ द कैपलरी, जो यानी कि सीप आउट यानी कि बाहर हो जाता है कैपलरी से एंड वापस वो ब्लड में पहुंच जाता है, ठीक है। यानी कि लिम्फ जो है प्लाज्मा प्रोटीन को कैरी करता है, और वो जो कि कैपलरी से बाहर निकल जाता है, जैसे कि मैंने डायग्राम में बताया था आपको, कैपलरी से जो बाहर आ जाता है 10% जो चीज़ है, 10% जो फ्लूड था वो क्या था, लिम्फ था हमारा, जो बाहर सीप आउट यानी कि बाहर आ जाता है, लेकिन फिर वो क्या क्या करता है, फिर से वापस चला जाता है ब्लड स्ट्रीम में। सेकेंड पॉइंट इज इसमें, इट कैरीज अवे लार्ज पार्टिकल सच एज बैक्टीरिया एंड सेल डेब्रिस फ्रॉम डैमेज टिश्यू। तो ये क्या करता है, जब ये हमारे टिश्यू स्पेसिस में प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, लार्ज पार्टिकल्स ऑफ बैक्टीरिया यानी कि वहाँ पर जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ये फ्लूड अपने साथ उन सारे बैक्टीरिया को या फिर डेड सेल को, सेल डेब्रिस होता है वेस्ट मटेरियल या डेड सेल जो प्रेजेंट होते हैं डैमेज टिश्यू, उनको सबको कैरी करके बाहर निकाल देते हैं। आफ्टर कैरिंग दिस पार्टिकल आर फिल्टर्ड आउट एंड डिस्ट्रॉयड बाय द लिम्फ नोड्स। तो जब ये सारा मटेरियल ये कैरी करके आगे चलता है यानी कि उसको जब ये फिल्टर करता है और ये डिस्ट्रॉय हो जाता है किसके द्वारा, लिम्फ नोड के द्वारा, यानी कि जब ये लिम्फ नोड के पास पहुंच जाता है सारा सामान लेके, सारा वेस्ट मटेरियल लेकर, तो ये लिम्फ नोड के पास जाता है और लिम्फ नोड उस वेस्ट मटेरियल, उस डेड सेल को, बैक्टीरिया को, उसको क्या करता है, नष्ट कर देता है, उसको किल कर देता है। लिम्फ कंटेन लिम्फोसाइट डिफेंड द सेल फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स और मटेरियल्स। तो लिम्फ क्या करता है, लिम्फोसाइट्स उसका होता है, लिम्फोसाइट क्या करता है, फॉरेन पार्टिकल्स को किल करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा लिम्फ वेजल्स, ठीक है। अभी तक तो हमने लिम्फ पढ़ा था जो फ्लूड था, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा, उसके फंक्शन पढ़े। अब लिम्फ वेजल जो है इसको कैरी करके लेके जा रहा है, कौन कैरी कौन करेगा इस फ्लूड को, लिम्फ वेजल्स कैरी करेंगे। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, लिम्फ कैपिलरीज, इसके अंदर क्या आता है, लिम्फ कैपिलरीज आते हैं सबसे पहले।
दिस ओरिजिनेट एज अ ब्लाइंड एंड ट्यूब इन द इंटरस्टिशियल स्पेसिस। तो ये क्या है, ब्लाइंड एंड होता है, ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटरस्टिशियल स्पेसिस के अंदर, यानी कि जो हमारे टिश्यू के बीच में जो स्पेस होता है, जो खाली जगह होती है, जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। दे हैव द सेम स्ट्रक्चर एज ब्लड कैपलरीज, इसका स्ट्रक्चर भी सेम होता है जैसे ब्लड कैपलरी का स्ट्रक्चर होता है। बट देयर वॉल आर मोर परमिएबल, बट इसकी जो वॉल होती है टू ऑल इंटरस्टिशियल फ्लूड, परमिएबल मीन्स फ्लेक्सीबल होते हैं, यानी कि अगर इसको प्रेशर दिया जाए तो ये खुल सकती है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर फ्लूड जो है वो आसानी से जा सकता है। तो इसकी वॉल कैसी होती है, परमिएबल होती है, फ्लेक्सीबल होती है, जो खुल जाती है यानी कि ईजिली ओपन हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूएंट सच एज प्रोटीन एंड सेल डेब्रिस, और इसमें क्या क्या जा सकता है, परमिएबल टू ऑल इंटरस्टिशियल फ्लूड, यानी कि इसके अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूड भी जा सकता है, प्रोटीन एंड सेल डेब्रिस भी हैं इसके, जो है इसके अंदर जा सकते हैं। द कैपलरीज ज्वाइन अप टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेजल, और जब ये कैपलरीज इकट्ठी हो जाती हैं तो ये क्या बनाती हैं, लिम्फ वेजल्स बनाती हैं, ठीक है। तो लिम्फ कैपलरी में हमने क्या पढ़ा था, यानी कि ये ब्लाइंड एंड ट्यूब्स होती हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसिस के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और ये क्या होती है, ब्लड कैपलरी की तरह होती है, पर इनकी वॉल जो होती है, इनकी जो दीवार होती है वो परमिएबल यानी कि फ्लेक्सिबल होती है, और जिसके द्वारा इंटरस्टिशियल फ्लूड इसके अंदर चला जाता है, प्रोटीन चला जाता है, एंड सेल डेब्रिस भी इसके अंदर चले जाते हैं, और सारी कैपलरीज मिलकर क्या बना रही हैं, लिम्फ वेजल्स बना रही हैं। अब आ जाता है हमारा लिम्फ वेजल। लिम्फ वेजल आर ओफन फाउंड रनिंग अलोंग साइड ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स, लिम्फ वेजल भी कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, आर्टरीज और वेन्स के साथ ही ये जो है साथ में ही, मतलब फ्लो कर रही, साथ में ही चल रही हैं ये भी, इसके साथ साथ ही, जैसे आर्टरीज एंड वेन्स हैं उनके साथ ही ये प्रेजेंट होती हैं। देयर वॉल आर सेम एज सेम वेन्स, इनकी वॉल कैसी होती है, जैसे वेन की वॉल होती है वैसे ही इनकी वॉल होती है। द सेम लेयर ऑफ द टिश्यू दैट इज आउटर लेयर, तो इनकी लेयर भी कैसी होती है, सेम जैसे कि वेन्स की लेयर होती है, जैसे वेन की लेयर होती है वैसे ही लिम्फ वेजल की जो है वेन्स होती है, और इसकी आउटर लेयर किससे बनी होती है, फाइब्रस कवरिंग होती है, फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है, ठीक है, और इसकी मिडल लेयर होती है स्मूथ इलास्टिक टिश्यू से, और इनर लेयर इसकी होती है इंडोथीलियम से बनी, ठीक है, आउटर लेयर बनी है इसकी फाइब्रस कवरिंग से, और मिडल लेयर इसकी बनी है स्मूथ इलास्टिक टिश्यू से, एंड इनर लेयर बनी है इसकी इंडोथीलियम से, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें लार्ज लिम्फ वेजल्स की, यानी कि वेजल्स, लिम्फ वेजल्स जो है वो उसकी कैसे, उसका वो कैसा बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है। लाइक वेन्स लिम्फ वेजल हैव मैनी कप शेप वॉल्व्स दैट इंश्योर द फ्लो ऑफ लिम्फ, तो जैसे मैंने आपको दिखाया था उसमें वॉल्व्स बने हुए थे, कप के शेप के थे वो। लाइक वेन्स लिम्फ वेजल हैव मैनी कप शेप वॉल्व्स, ठीक है, दैट इंश्योर द फ्लो ऑफ को कैरी करते हैं। देर इज नो पंप लाइक हार्ट बट हैव द मसल लेयर इन द वॉल ऑफ द लिम्फ वेजल्स, तो इसमें क्या है, हार्ट की तरह पंप नहीं होता, यानी कि ये उसको थ्रो नहीं करती, यानी कि उसको पुश नहीं करता है ये, इसके अंदर किसी तरह का कोई पंप नहीं होता है, बट इसके अंदर क्या होता है, मसल लेयर इन द वॉल्स, मसल्स लेयर होती हैं इसमें ऑफ द लिम्फ वेजल दैट हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकल, यानी कि इसके अंदर मसल्स लेयर होती हैं जो उसको चलने में, जो उसकी रिदम होती है चलने की, उसमें हेल्प करता है। लिम्फ वेजल बिकम लार्जर एज दे जॉइन टुगेदर, तो अगर ये लिम्फ वेजल मिल जाती हैं तो ये क्या बन जाती हैं, काफ़ी बड़ी बन जाती हैं, यानी कि काफ़ी यानी कि एक दूसरे से इनको सपोर्ट मिल जाती है, और फॉर्म टू लार्ज डक्ट, यानी कि फिर ये क्या करती हैं, टू लार्ज डक्ट बना देती हैं, थोरेसिक डक्ट एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट बना देती हैं ये। अब हम बात करेंगे लिम्फेटिक ऑर्गन एंड टिश्यूज की, तो इसमें सबसे पहले आता है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड आर ओवल एंड बीन शेप ऑर्गन दैट लाई ऑफन इन ग्रुप अलोंग द लेंथ ऑफ द लिम्फ वेजल, तो लिम्फ नोड क्या है, ओवल की शेप का होता है, बीन शेप्ड होता है, मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ, ये देखिए ये हमारे लिम्फ नोड, ये जो आपको ग्रीन कलर में ये स्मॉल स्मॉल बीन शेप के आपको दिख रहे होंगे, ये हमारे लिम्फ नोड, तो इसके अंदर क्या होता है, इनके अंदर स्टोर होता है ब्लड,
तो ये ब्लड को स्टोर करके रखते हैं, ये पूरे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, ये पूरे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ से आपको दिखेंगे ये सारे क्या है, लिम्फ नोड हैं। ये देखिए पूरा सारा लिम्फ नोड प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में। इसके बाद आ जाते हैं इसमें सेकंड पॉइंट, दीज नोड वेरी इन साइज, सम आर एज स्मॉल एज अ पिन हेड एंड द लार्जेस्ट आर अबाउट द साइज ऑफ एन आलमंड। तो इसमें क्या है, साइज भी इनके अलग अलग होते हैं, कुछ छोटे स्मॉल स्मॉल साइज में होते हैं, ठीक है, कुछ बीन साइज के होते हैं, कुछ आलमंड साइज के होते हैं, यानी कि इनका साइज जो है डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब आ जाते हैं इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ नोड। लिम्फ नोड हैव एन आउटर कैप्सूल ऑफ फाइब्रस टिश्यू दैट डीप्स डाउन इन टू द नोड सब्सटेंस फॉर्मिंग ट्रूबोक्यूल। मतलब कि ये एक कैप्सूल की तरह बना होता है, इसकी जो आउटर शेप होती है वो कैप्सूल की तरह होती है, जो बना होता है फाइब्रस टिश्यू से, ठीक है। और इसके अंदर क्या सब्सटेंसेस प्रेजेंट होती है इसमें, ट्रूबिकुलेस। तो ये आपको डायग्राम से दिखाती हूँ मैं, ये देखिए ये है डायग्राम लिम्फ नोड का। तो ये देखिए ये कैप्सूल की तरह बना होता है, आउटर लेयर इसकी फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है, ठीक है। ये है यहाँ पर देखिए, ये है कैप्सूल और ये होता है ट्रेबिकुले। ये देखिए ये अंदर से जो ये बने हुए हैं शेप्स, ठीक है। और ये जो स्मॉल स्मॉल इसमें है प्रेजेंट है ग्रीन कलर में स्मॉल लाइक, ये क्या है रेक्टिकुलर टिश्यूज हैं। और ये है हमारा लिम्फेटिक टिश्यू और ये हमारे हैं एफरेंट लिम्फ वेजल्स, ठीक है। इनके थ्रू क्या हो रहा है, अंदर लिम्फ जो है अंदर की तरफ जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर वॉल्व ओपन है, ये लिम्फ अंदर की तरफ जा रहा है, इनके अंदर जो है लिम्फ जो है प्रेजेंट है। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है, द मेन सब्सटेंस ऑफ द नोड कंसिस्ट ऑफ रेक्टिकुलर एंड लिम्फेटिक टिश्यू। तो जो मेन सब्सटेंस जो इसका बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, रेक्टिकुलर एंड लिम्फेटिक टिश्यू से बना हुआ है। थर्ड पॉइंट है इसमें, दिस टिश्यू कंटेन मैनी लिम्फोसाइट एंड माइक्रोफेज। और ये टिश्यू क्या कंटेन करते हैं, बहुत सारे लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेस, यानी कि जो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं उनको कैरी करते हैं। रेक्टिकुलर सेल प्रोड्यूस अ नेटवर्क ऑफ फाइबर्स विच प्रोवाइड द इंटरनल स्ट्रक्चर विद इन द लिम्फ नोड। तो ये क्या कर रहा है, रेक्टिकुलर क्या कर रहा है, यहाँ पर एक नेटवर्क बना रहा है, यानी कि वो फाइबर का नेटवर्क बना रहा है। और ये नेटवर्क क्या काम कर रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि लिम्फ नोड के इंटरनल स्ट्रक्चर को बना रहा है। 4 to 5 एफरेंट लिम्फ वेजल्स में एंटर अ लिम्फ नोड, विल ओनली 1 एफरेंट वेजल कैरी लिम्फ अवे फ्रॉम द नोड। यहाँ पर ये बोल रहा है कि 4 से 5 एफरेंट लिम्फ वेजल्स, ठीक है, जो है एंटर करती हैं लिम्फ नोड के अंदर, लेकिन बाहर कितनी जाती हैं, ओनली 1 एफरेंट वेजल कैरी लिम्फ अवे फ्रॉम द नोड। यानी कि अंदर तो वो इतने लिम्फ वेजल को एंटर करने दे रहे हैं जो फ्लूड को अंदर लेके आ रहे हैं, लेकिन बाहर कितने को भेज रहा है, ये सिर्फ 1 को बाहर भेज रहा है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ लिम्फ नोड्स सिचुएटेड इन द थ्रू आउट दिस बॉडी एंड आर अरेंज्ड इन द डीप और सुपरफिशियल ग्रुप। तो ये लार्जली कहाँ प्रेजेंट होता है, थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है और अरेंज्ड होता है डीप एंड यानी कि ग्रुप्स में प्रेजेंट होता है ये। उसके बाद आ जाता है फंक्शंस ऑफ लिम्फ नोड, लिम्फ नोड के फंक्शंस क्या है, क्या काम करता है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड हैज फ्लोइंग फंक्शन, जैसे फिल्टरिंग यानी कि फिल्टर करना, उसको साफ करना, क्या साफ कर रहा है ये, लिम्फ इज फिल्टर्ड बाय द रेक्टिकुलर एंड लिम्फेटिक टिश्यू। जो लिम्फ लिम्फ नोड के अंदर आ रहा है उसको फिल्टर कर रहा है ये, कैसे, रेक्टिकुलर एंड लिम्फेटिक टिश्यू के द्वारा, एज इट पासिस थ्रू लिम्फ नोड। यानी कि जो लिम्फ जो है इसके अंदर, जब लिम्फ नोड के अंदर जाता है तो वो फिल्टर होता है, इसके अंदर क्या क्या फिल्टर करता है, वो बैक्टीरिया, डेड एंड इनजेस्टेड माइक्रोब्स, ठीक है, बैक्टीरिया को फिल्टर करता है, डेड सेल को, ठीक है। आगे जाता है हमारा फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस में क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक मटेरियल इज डिस्ट्रॉयड इन
लिम्फ नोड बाय माइक्रोफेज। तो ऑर्गेनिक मटेरियल मीन्स मॉलिक्यूल्स, जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे बॉडी को हार्म कर सकता है, उनको क्या करता है, लिम्फ नोड किल कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, किल कर देता है किसके द्वारा, माइक्रोफेज के द्वारा एंड एंटीबॉडीज। तो यानी कि वो एंटी बॉडी के थ्रू जो है, एंटीबॉडी के थ्रू जो है उसको किल कर देता है। सम इन ऑर्गेनिक इनहेल्ड पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स है जो किल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो जो है हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक नहीं है, यानी कि वो हमारी बॉडी को कुछ हार्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारे बॉडी के अंदर यानी हमारे सेल के अंदर जो है रह जाते हैं, वो हमारे सेल को ये किसी भी तरह के कोई कॉज नहीं कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, तो उनको जो है ये किल नहीं करता है, उनको वैसे के वैसे वहाँ पर वो रहने देता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लिम्फ नोड क्या कर रहा है, प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, एक्टिवेट टी एंड बी लिम्फोसाइट मल्टीपल इन लिम्फ नोड। तो ये क्या कर रहा है, टी एंड बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट, तो हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, जो एंटीबॉडीज बनाता है, वो बी सेल बनाता है, ठीक है। एंटर लिम्फ्स एंड ब्लड ड्रेनिंग द नोड्स, मतलब ये क्या कर रहा है, हमारे बॉडी के अंदर यानी कि लिम्फ नोड क्या कर रहा है, टी एंड बी सेल को एक्टिवेट कर रहा है, और जो बी सेल है वो क्या करता है, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनाता है। अगर हमारे बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है तो टी एंड बी सेल क्या करते हैं, उसको किल कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्प्लीन, नेक्स्ट ऑर्गन है ये स्प्लीन। ये देखिए ये है स्ट्रक्चर लिम्फ का, तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक इम्प्रेशन, ये है गैस्ट्रिक इम्प्रेशन, रेनल इम्प्रेशन, एंड ये जो है वेन्स एंड आर्टरीज निकल रही हैं इसमें से, स्प्लीन से, और ये क्या कर रहा है, पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज की पोजीशन दी हुई है इसमें। चलिए अब हम इसके डिटेल में पढ़ते हैं इसको। द स्प्लीन इज़ द लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन एंड कंटेन रेक्टिकुलर एंड लिम्फेटिक टिश्यू। तो ये क्या है, एक लार्जेस्ट ऑर्गन है, और किससे बना है, ये रेक्टिकुलर एंड लिम्फेटिक टिश्यू से बना हुआ है। द स्प्लीन लाइज इन द लेफ्ट लिम्फोकॉड्रिक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी बिटवीन द फंडस ऑफ द स्टमक एंड द डायफ्राम। यानी कि ये हमारे बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में, यानी कि स्टमक एंड डायफ्राम के बीच में ये प्रेजेंट होता है। इट इज प्यूरिप्लिश इन कलर्स एंड पर्पिश इन कलर, इट इज पर्पिश इन कलर एंड वेरीज इन द साइज इन द डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो ये क्या है, पर्पल कलर में होता है, और इसका साइज जो है तो होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है, यानी कि हर बॉडी के अंदर इसका साइज जो है डिफरेंट होता है। इट इज यूजली अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये कितना होता है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, एंड 7 सेंटीमीटर वाइड होता है, एंड 25 सेंटीमीटर क्या होता है, ये थिक होता है। इसका वेट कितना होता है, 200 ग्राम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन, द स्प्लीन इज टाइटली ओवल इन शेप विद हीलियम ऑन द लोअर मिडल बॉर्डर। तो ये कैसा होता है, ओवल शेप का होता है, ठीक है, विद हीलियम प्रेजेंट होता है, और कहाँ पर होता है, लोअर मिडल बॉर्डर में इसका हीलियम प्रेजेंट होता है। द इंटीरियर सर्फेस इज कवर्ड विद पेरिटोनियम एंड द इनक्लोज्ड विद फाइब्रो इलास्टिक कैप्सूल दैट डीप्स इंटू दिस ऑर्गन एंड फॉर्म ट्यूबरकुलर। तो इसका इंटीरियर यानी कि अंदर से ये कैसा होता है, अंदर की कवरिंग इसकी कैसे होती है, पेरिटोनियम से बनी होती है, और ये इनक्लोज किससे होता है, यानी कि ये पूरा जो है ये बंद किससे होता है, फाइबर इलास्टिक कैप्सूल से होता है, और इसके अंदर जो क्या होता है, डीप्स इंटू दिस ऑर्गन एंड फॉर्म ट्यूबरकुलर, और क्या होता है, इसमें ऑर्गन फॉर्म होते हैं किससे, ट्यूबरकुलर से जो है फॉर्म हो जाते हैं। द सेलुलर मटीरियल कंसिस्ट ऑफ लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेस विच इज कॉल्ड स्प्लीनिक। नेक्स्ट आ जाता है सेलुलर मटीरियल, यानी कि जो सेल है किससे बने हुए हैं, फैगोसाइट्स एंड मैक्रोफेज विच इज कॉल्ड स्प्लीनिक पल्प। जो क्या है, इसके अंदर क्या क्या है, लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है, वो क्या है, सेल ही है, और क्या है, ये स्प्लीनिक पंप है, स्प्लीनिक पंप है। इट लाइज बिटवीन द
ट्रेबिकुले, तो ये कहाँ पर होता है, ये भी ट्रेबिकुले में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है इट कंटेन रेड पल्प विच इज फ्यूज्ड विद ब्लड एंड विल पल्प दैट इज एरिया ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू। और क्या होता है इसमें, इसमें होता है रेड पल्प जो क्या सफ्यूज हो रहा है विद ब्लड। सफ्यूज मीन्स छन रहा है, यानी कि प्योर हो रहा है, ब्लड से प्योर हो रहा है। एंड वाइट पल्प दैट इज एरिया ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू। और क्या होता है इसमें, वाइट पल्प होता है और कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लिम्फेटिक टिश्यू में एरिया, यानी कि लिम्फेटिक एरिया में प्रेजेंट होता है। देन देर आर सम स्ट्रक्चर दैट एंटरिंग एंड लिविंग द स्प्लीन एट द हीलियम आर। तो क्या है, कुछ स्ट्रक्चर है जो क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं स्प्लिन, यानी कि कुछ जो आपने स्ट्रक्चर मैंने आपको डायग्राम दिखाया था उससे जो अटैच हो रहा है, यानी कि जो वेन्स जो उससे जुड़ी हुई थी, जो अंदर की तरफ भी जा रही थी और कुछ बाहर की तरफ भी आ रही थी और जो अंदर प्रेजेंट थी, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि उसमें क्या स्प्लिनिक आर्टरी है, स्प्लिनिक वेन्स है एंड स्प्लिनिक वेजल्स है एंड नर्व्स हैं उसमें। उसके बाद आ जाता है फंक्शन ऑफ स्प्लीन, कि स्प्लीन जो है क्या काम कर रहा है, उसका फंक्शन क्या है, उसका वर्क क्या है। स्प्लीन हैज़ द फ्लोइंग इम्पॉर्टेंट फंक्शन, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइट क्या करता है, यानी कि फॉरेन मटेरियल या वेस्ट मटेरियल को इंगल्फ कर जाता है, खा जाता है। उसका प्रोसेस होता है वेस्ट मटेरियल या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देना। ओल्ड एंड एबनॉर्मल एरिथ्रोसाइट आर मेनली डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। तो अगर उसके अंदर एबनॉर्मल या फिर किसी तरह का पुराना एरिथ्रोसाइट्स आर प्रेजेंट होते हैं, तो वो उनको स्प्लीन के अंदर जो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। एरिथ्रोसाइट क्या होता है, रेड ब्लड सेल, ठीक है, जो एबनॉर्मल होते हैं, यानी कि जो कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, वेस्ट पड़े हुए हैं, उनको क्या करता है स्प्लीन, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि किल कर देता है। अदर सेलुलर मटेरियल सच एज ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स, बैक्टीरिया इज फेगोसाइटेड इन द स्प्लीन। जो और एक्स्ट्रा मटेरियल पड़ा हुआ है, लाइक ल्यूकोसाइट पड़ा हुआ है, प्लेटलेट्स, बैक्टीरिया, जिनका कोई यूज़ नहीं है, यानी कि यूजलेस चीज़ें जो पड़ी हुई हैं, स्प्लीन उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट क्या करता है ये, ट्रांसपोर्टेशन द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट बिलीरुबिन एंड आयरन आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीवर थ्रू द स्प्लीन एंड पोर्टल। और क्या क्या करता है ये, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, यानी कि बिलीरुबिन एंड आयरन्स जो कि हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लीवर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। कौन कर रहा है, स्प्लीन कर रहा है ये काम। स्टोरेज ऑफ ब्लड, द स्प्लीन कंटेन अप टू 305 ml ऑफ ब्लड। तो ये क्या कर रहा है, 350 ml, यानी कि 350 ml जो है वो कैरी कर रहा है। और वेन नीड मोस्ट ऑफ द ब्लड इज़ रिटर्न टू द सर्कुलेशन। तो ये स्टोर करके रखता है ब्लड को, यानी कि ये अपने पास स्टोर रख लेगा, अगर बॉडी को रिक्वायरमेंट हुई, ज़रूरत हुई, तो ये क्या करेगा, तब वहाँ पर उसको पहुँचा देता है। तो इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है इन केस ऑफ हैमरेज। तो अगर हैमरेज की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड लॉस हो जाता है, ब्लड की आवश्यकता है, तो स्प्लीन क्या करेगा, वहाँ पर जल्दी से ब्लड को सप्लाई कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स, द स्प्लीन कंटेन टी एंड बी लिम्फोसाइट इन केस ऑफ इन्फेक्शन दीज आर एक्टिवेटेड। तो ये क्या कंटेन करता है, टी एंड बी लिम्फोसाइट, यानी टी एंड बी सेल को कैरी करता है, और ये कब काम आएगा, ये जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, तब ये एक्टिवेट हो जाएंगे, यानी कि उस इन्फेक्शन को ठीक कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है अकरिंग सीरियस इन्फेक्शन दीज लिम्फोसाइट्स मल्टीप्लाई एंड कॉज इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन विच इज कॉल्ड स्प्लीन इमेगली। यानी कि जब भी कहीं पर इन्फेक्शन हुआ, कहीं चोट लग गई, तो ये लिम्फोसाइट क्या करेंगे, वहाँ पर पहुँच जाएंगे और अपने आप को फैला देते हैं, ठीक है, और उस चीज़ को, उस घाव को ठीक करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसमें एरिथ्रोपोइसिस, द स्प्लीन एंड लीवर आर इम्पोर्टेंट साइट टू फीटल ब्लड सेल प्रोडक्शन। तो यानी कि ये क्या करेगा, ब्लड सेल का प्रोडक्शन करना शुरू कर देता है, यानी कि स्प्लीन एंड लीवर क्या करते हैं, एक फीटल साइट है जो ब्लड सेल को प्रोडक्शन कर रहा है, यानी कि ब्लड सेल को बना रहा है। लास्ट हमारा ऑर्गन आ जाता है थैलमस ग्लैंड, द थैलमस ग्लैंड लाइज इन द अपर पार्ट ऑफ द मिड एस्ट्रिनम बिहाइंड द स्टर्नम एंड एक्सटेंड अपवर्ड इन टू द रूट ऑफ द नेक। यानी कि यह कहाँ प्रेजेंट होता है, थैलमस ग्लैंड हमारा मिड एस्ट्रिनम के पीछे और स्टर्नम के बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट होता है, यानी कि थैलमस हमारे गले के पास प्रेजेंट होता है, रूट ऑफ द नेक, यानी कि हमारे जो गला है, ग्लैंड है, वहाँ पर जो ये प्रेजेंट होता है।
इट वेट अबाउट 10 to 15 ग्राम। तो इसका वेट कितना होता है, 15 ग्राम एट बर्थ, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम इसका जो है वेट कितना होता है, 10 से 15 ग्राम होता है। एट प्यूबर्टी इट बिटवीन 30 to 40 ग्राम। तो जैसे ही बड़ा होता चला जाता है तो इसका वेट कितना चला जाता है, 30 to 40 ग्राम। एट मिडल एज इट रिटर्न इट टू इट्स वेट एट बर्थ। और जब क्या होता है, मिडल एज होती है हमारी, तब ये वापस अपने उसी रेंज में आ जाती है, यानी कि 10 से 15 ग्राम के वेट में ये वापस आ जाता है। तो नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ थैलमस ग्लैंड। द थैलमस कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स जॉइंट बाय द एरियोलर टिश्यूज। तो थैलेमस ग्लैंड किससे बना हुआ है, जॉइंट है एरियोलर टिश्यू से। ये देखिए, ये हमारा थैलेमस ग्लैंड, ये हमारी यहाँ से गर्दन जो नेक हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये हमारा स्टर्नम, ये देखिए, ये है थैलेमस ग्लैंड, ये है थैलेमस ग्लैंड। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है, द लूब्स आर इनक्लोज बाय द फाइबरस कैप्सूल विच डीप्स इन टू देयर सब्सटांसिस। तो ये इनक्लोज यानी कि इसके जो लूब्स हैं वो क्या है, इनक्लोज है फाइबरस कैप्सूल से, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, सब्सटांसिस प्रेजेंट होते हैं। दिस लूब्स डिवाइड्स एंड कंसिस्ट ऑफ एन इरेगुलर फ्रेमवर्क ऑफ इपिथीरियल सेल एंड लिम्फोसाइट्स। और जो ये लूब्स हैं ये क्या है, डिवाइड हुए हैं, ठीक है, यानी कि अलग अलग बने होते हैं। आपने देखा वो टू पार्ट्स में डिवाइड है, एक लेफ्ट एंड राइट साइड में। तो दिस लूप डिवाइड एंड कंसिस्ट ऑफ एन इरेगुलर फ्रेमवर्क, यानी कि इरेगुलर फ्रेमवर्क है उसका, यानी कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, इरेगुलर फ्रेमवर्क ऑफ इपिथीलियल सेल, यानी कि किससे बना हुआ है, इपिथीलियल सेल एंड लिम्फोसाइट से जो है ये बना हुआ है। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।